परमानंद समुद्रोल्ला श्रीवासिक पूर्णिमाज्योत्स्ने श्रीमद करपात्र चरण सरसी रूपादुके वंदे संसिद्ध सागर निपतल लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमद करपात्र चरण सरसी रूपादुके वंदे नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम परमापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहितुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तनमे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय राम जय जय Yeah.
ठीक जगत स्वभाव हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे स्वामी जी के चरणों में नमन। मैं डॉक्टर शक्ति कुमार पांडे रिटायर्ड अध्यापक हूँ अंग्रेजी का। मेरा अत्यंत संक्षिप्त प्रश्न यह है कि हिंदू राष्ट्र में हम लोगों के कल्पना में जो हिंदू राष्ट्र है उसमें गैर हिंदुओं की क्या स्थिति होगी और वर्तमान भारतीय संविधान की क्या स्थिति होगी? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे, या ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक रहस्य है। मामा साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक और हिंदू भी थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि मरीच, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धन आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरलता कुल इत्यादि भी उत्पन्न हुए। स्वप्नावस्था में हम आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सर्वजीव धनात्मक सर्वदेव धनात्मक परमात्मा से एकीभूत हो जाते हैं। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। आत्मचैतन्य से उद्दीप्त अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में समुद्भाषित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं का उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, परक विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। हम एक उदाहरण देते हैं। बुश, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित
उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है उनके शब्दों में, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था तो है परंतु बाइबल में सृष्टि संबंधी जो विज्ञान है, सृष्टि को लेकर जो काल की मीमांसा है, आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उस पर पानी फेर दिया है, इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। इसका अर्थ क्या हुआ? आधुनिक वैज्ञानिक युग में विज्ञान को भी सैकड़ों वर्षों तक, वैज्ञानिकों को भी सैकड़ों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत में ही है। इसलिए जो हिंदू नए भी हैं या होंगे उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, बल्कि एक नियम है, आत्मा न प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। गीता के शब्दों में अगर कहें तो आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुना सुखम वायदि वा दुःखम संयोगी परमता। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। हमने आठवीं कक्षा में पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एंड वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है, एक झूठ बोलने वाला भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है, एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौरी की भावना रखता है, एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है, एक लुटेरा परिग्रही भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। मानवोचितशील है, इसका परिचय तो सबको देना ही चाहिए। जो मानवोचितशील का त्याग कर देता है मनुष्य के रूप में, अपने लिए समाज के लिए भयंकर सिद्ध होता है। सबको हिंदू बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू शब्द के दो अर्थ होते हैं, भौगोलिक धरातल पर ही माने हिमालय, हिंदू माने हिंदू सरोवर। मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है वो हिंदू स्थान है। यौगिक विपत्ति के अनुसार हीनता दीनता दरिद्रता को जो पनपने न दे वह हिंदू है। इस दृष्टि से मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट भी मानवोचितशील का परिचय दें यह आवश्यक है। एक मैं संकेत करता हूँ, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इसका और कोई विधा, इसकी कोई और विधा नहीं है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विकृत और विलुप्त है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूत्र बनाने की आवश्यकता है। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूत्र बनाने पर समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का फिर भी आधार नहीं हो पाता। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें वो हाथ और मुँह का काम नहीं कर सकता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है वह सर्वोपरि है। हम विज्ञान के बल पर, शक्ति सहिष्णुता के बल पर हिंदुत्व को उद्भाषित करते हैं, एक विचित्र बात है। गुलाम नबी आजाद तक मेरी बात पहुंची होगी, उन्होंने डंके की चोट से कहा, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, पाकिस्तान से आवाज आई कुछ समय पहले, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, परिस्थिति बस कुछ और हो गए। 32 वर्ष पहले जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, हमारे पूर्वज सनातनी
अधिकारी थे, कितने चालीस लाख हमारे पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। भले आज हम क्रिश्चियन दिखते हो, लेकिन आप हमको क्रिश्चियन मत समझिए। हमारे पूर्वजों की हत्या की वेदना को हमने हृदय में संजोए हुए, तो हमने संकेत किया कि दर्शन की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, देश काल परिस्थिति की दृष्टि से सनातन सिद्धांत ही समुत्कृष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का गणित की दृष्टि से अध्ययन करें तो 1,97,29,49,125 वर्षों की पृथ्वी हो गई है, सृष्टि है। इसको विज्ञान भी मानता है। 31,10,40,000 वर्षों तक सृष्टि बनी रहती है। महाप्रलय की दशा भी 31,10,40,000 वर्षों तक रहती है। इस प्रकार से सनातन सिद्धांत विजयी है। हमारा सनातन शास्त्रों के आधार पर जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल में भी सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल की संरचना भी सनातन सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। आप कंप्यूटर की चर्चा करते हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे? पूरी पीठ के 143 में मान जगत गुरु शंकराचार्य से भारतीय केंद्रीय जी महाराज के शिष्य प्रशिष्ट विदेशी। इसका अर्थ क्या है? विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है सनातन सिद्धांत के बल पर है। सनातन सिद्धांत को मानने पर विकास के नाम पर नाश नहीं होता है। आधुनिक विकास की परिभाषा को क्रियान्वित करने के लिए महायंत्रों की आवश्यकता है। महानगर की संरचना महायंत्रों की देन है। उस समय भारत के माननीय लाडले प्यारे प्रधानमंत्री कहते थे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उससे संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब कहना भूल गए, क्यों भूल गए? आजकल वन में रहने वाले गांव की और गांव में नगर रहने वाले नगर की और नगर में रहने वाले महानगर की और महानगर में रहने वाले राजधानी की और राजधानी में रहने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की ओर भागते हैं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, महानगर अगर विकास का मापदंड है तो महानगर में जितने महानगर हैं उनमें शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या? क्या कर रहे हैं हंसी मजाक में सब उपलब्ध है? महानगरों में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं है, शुद्ध पानी सुलभ नहीं है, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं है, शुद्ध पवन सुलभ नहीं है, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं है, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं है, कुलदेवी सुलभ नहीं, कुलदेवता सुलभ नहीं, कुलोचित आचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं। विकास के नाम पर मनुष्य को भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के रख दिया गया। इसको विकास कहते हैं ह्रास। आधुनिक विकास के चपेट में आकर पृथ्वी इतनी दूषित हो गई है कि इसके संपर्क में आकर चंद्रमा की सतह भी धस गई है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश तारा है धरती के पास, अंत में विकास को हमारे वेदांत शास्त्रों के आधार पर ही परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। राजनीति की परिभाषा हम प्रस्तुत करते हैं वेदानुसार सम्मत। राजनीतिक उस परिभाषा को क्रियान्वित करने पर ही सबका हित सुनिश्चित है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म,
ऐसा कैसा पर्याय वाचक एक अर्थक शब्द है, हमने संकेत किया। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निद्रा, निद्रा का विज्ञान, सनातन सिद्धांत, सर्वोत्कृष्ट है। उसको समझने पर, उसका अनुगमन करने पर ही सबका हित सुनिश्चित है। हित में संकेत करता हूँ, महोपनिषद के छठे अध्याय का वचन है, उदार चरितार्थं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जिनका जीवन उन्नत होता है, जिनका विचार उदारता से भरपूर होता है, उनके दृष्टि में वसुधा सुपलक्षित चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, सब परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परिवार के सदस्य हैं। हमारा आपका जीवन उस तथ्य को उद्भाषित करता है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अनुशीलन कीजिए। हम सब जो मनुष्य हैं, माँ के पेट से जेल से उत्पन्न हुए, कौन प्राणी हो गए, जरायुध। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जेल का मालिक शुल्क अंडा, अंडजा प्राणी हो गए। अंडा की निष्पत्ति माता पिता के रजवीर के संघार से होती है, शिशुजब प्राणी हो गए। रजवीर की निष्पत्ति अन्य जल के सेवन से होती है, उद्भिजब प्राणी हो गए। मनोराज्य में स्वप्न अवस्था में मनुष्यजब प्राणी हो जाते हैं। बुद्धि से अवच्छिन्न या उपचेतन होने पर स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। निर्पादित धरातल पर हम स्वयं हैं। समग्र परिचय हुए ऊपर से नीचे अग्रवाक्रम। स्वयंभू से पहले स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए क्या है, जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। हमारा समग्र परिचय है। इस परिचय को प्राप्त कर व्यक्ति का जीवन श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें और बारहवें अध्याय के अनुसार सर्वभूत रहता, अपने और सबके हित में प्रयुक्त हुए बिना, विनियुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। जितने तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, बुरा न मानो होती है, उनकी मान्यता होती है लूटो पीटो मौज करो, रजोगुणियों की वृत्ति होती है, भी करते हैं। ये भाई हम चौराहे पे बोलने वाले तो नहीं, अभी वीआईपी बन के सब क्या मैं कह रहा था, तमोगुणियों की मान्यता होती है लूटो पीटो मौज करो, तो फिर उपद्रव भी करेगा। आयोजक लोग ही उपद्रव करते, तुसी प्रेमनंद से बैठो। तमोगुणियों की मान्यता होती है लूटो पीटो मौज करो, रजोगुणियों की मान्यता होती है खाओ पियो मौज करो, सात्विक व्यक्तियों की मान्यता होती है जियो और जीने दो। जो शुद्ध सात्विक होते हैं उनकी मान्यता होती है अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। इस प्रकार सनातन सिद्धांत को मानने पर सबका समुत्कर्ष सुनिश्चित है। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, बौद्धों का सिद्धांत है, वेदांतियों का सिद्धांत है। तत्व पक्षपात तो ही स्वभाव हो ध्यान, जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का पक्षधर होना। दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध करके हम कुछ लिखेंगे बोलेंगे, हर व्यक्ति चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, उसको स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। दंडे के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर, वस्तु स्थिति के बल पर, सबके हृदय में हिंदुत्व के प्रति आस्था जगाना हमारा कर्तव्य जग भी है। 204 देश हैं विश्व में, 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं, जहाँ हिंदू नहीं रहते वो भी हम लोगों की बात को बहुत आस्थापूर्वक सुनते हैं। इसलिए कहीं से चाहे क्रिश्चियन तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, कहीं से कोई विरोध तो आता नहीं, क्योंकि तत्व पक्षपात को ही स्वभाव ध्यान।
जीव का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है, तत्व का, तथ्य का, वस्तु स्थिति का समाधान करना। एक विचित्र बात कहते हो, बम गोले बारूद की आवश्यकता सब जगह नहीं होती। एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे वृंदावन में, शरणानंद जी वाला, नेत्रों से भीन थे, उनका एक वाक्य बहुत अच्छा था, आकर्षक था, प्राप्त विवेक का समाधान करो। अब प्राप्त विवेक को समर्जित करो, प्राप्त विवेक का समाधान करो। तो प्राप्त विवेक का अनादर करता है, वो विवेक का अनादर ही उसका भट्टा बैठ जाएगा। तो प्राप्त विवेक का समाधान करता है, प्राप्त विवेक को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसका सर्विस समुद्र होता ही है। पहले प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक होता है, आगे संक्षिप्त पूछो। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हे गुरुवर, आपसे ये प्रश्न है कि स्वामी जी ने राम राज्य परिषद की स्थापना की हुई थी, इस संकल्प को लेकर के कि हम आगे राम राज्य की पुनर्स्थापना करेंगे, आप तो त्रिकाला के हैं, क्या वो संभव है कहीं? असंभव होता तो काम है क्यों कर। गुरुदेव स्वामी कल्पात्र जी महाभाग ने मुझे एकांत में बताया, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का मंडन करते चलना। वही उसके विरुद्ध भी बोले हैं तो घुटना मत टेकना। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान का अवतार होगा, तब तक कोई ब्राह्मण वंश विकृत होने से बचा रहेगा, विलुप्त होने से बचा रहेगा, तब तो होगा। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब तक ब्राह्मण वंश विकृत विलुप्त होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। दूसरी बात, लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं, मैंने संकेत किया, आपने ध्यान दिया होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के पास कोई विधा है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकार संतुलित, इसका और कोई उपाय नहीं, नान्या पंथा विद्यते नाया। इसलिए सनातन व्यवस्था दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से इतनी समुत्कृष्ट है, उसको माने बिना किसी भी व्यक्ति देश का कल्याण होना ही संभव नहीं है। इतनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। आगे सुखदेव महाराज जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक विनम्रतापूर्वक नमन। चातुर्वर्ण सिस्टम गुण कर्म विभाग सब योगेश्वर कृष्ण की इस बाणी में इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को चातुर्वर्ण का सिद्धांत दिया। महाराज जी हम अधिकांश लोग मानने वाले हैं, लेकिन दो प्रश्न इससे संबंधित है। महाराज जी जो आज के लौकिक जीवन में हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को हम विद्यालयों में कैसे लागू करें, आज की जो नई शिक्षा पद्धति है वो हमें इजाजत नहीं देती है कि हम वर्णाश्रम धर्म को उसके मूल रूप में यहाँ हम लागू कर सकें। एक तो ये विडम्बना है महाराज जी, दूसरी विडम्बना है कि यदि गुण कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, तो यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति गुण और कर्म अपने सुधार लेता है, परिष्कृत लेता, कर लेता है, तो क्या उसको सोशल मोबिलिटी, क्या उसे अपग्रेडेशन के ऊपर जाने की स्वतंत्रता है अपने धर्म में? बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज जी ये प्रश्न उठता है मंचों पे, दावे के साथ
साधारण मंच आजकल वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करने से भागते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं, महाराज जी ये मंच ऐसा है, गणपति जी महाराज के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है, महाराज जी से अपेक्षा करता हूँ। उत्तर तो मैंने पहले दे दिया, फिर सुनिए। रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, इसके विधा का कृत्रिम हो सकते हैं, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। दुष्यंत का नाम सुना होगा, कर्म ऋषि नैचिक का ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल के थे, वो वन में संध्या चयन करने के लिए दूर चले गए थे। दुष्यंत आए, क्षत्रिय भागापन विश्वामित्र के तेज से अप्सरा मेनका के गर्भ से शकुंतला का उद्भव हुआ था। अप्सराओं का स्वभाव होता है वे तेज को एक घंटे की सीमा में उनका गर्भाशय इतना परिपुष्ट होता है कि लाला या लाली का रूप देकर प्रसव कर देती हैं, लेकिन बेटा या बेटी का पालन नहीं करती। शकुंतला के शील को रूप को देखकर दुष्यंत का मन लट्टू हुआ। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुशीलन कीजिए। दुष्यंत ने हृदय पर हाथ रखकर कहा, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता, ये ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं सकती। इसका नाम है सनातन सिद्धांत। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे और बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन व्यसन मुक्त रहे, इसकी और कोई विधा नहीं है, और कोई विधा है ही नहीं। सनातन सिद्धांत के अतिरिक्त और कोई विधा नहीं है, इसका कौन खंडन करे। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, जब हम दक्षिणामूर्ति स्त्रोत पढ़ते हैं तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आदि शंकराचार्य भगवान दक्षिणामूर्ति को सर्वोच्च गुरु और अपना गुरु मान रहे हैं, और उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान भी भगवान दक्षिणामूर्ति से ही प्राप्त हुआ है, तो यह सोचना कितना सही है। और इसके साथ ही आपके एक व्याख्यान में मैंने सुना था कि कृत युग में भगवान दक्षिणामूर्ति गुरु होते हैं और कल युग में शंकराचार्य गुरु होते हैं, तो यह दोनों समतुल्य है। दक्षिणामूर्ति दत्तात्रेय जी महाराज वेदव्यास जी महाराज शंकर क्रम है। दक्षिणामूर्ति फिर दत्तात्रेय जी महाराज फिर वेदव्यास जी फिर कलयुग में शंकराचार्य आ गए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम वेदांतर्गत विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण दर्शक और बिंब तीनों एक हो तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति हो। दर्शक बिंब और दर्पण के भिन्न होने पर भी जब प्रतिबिंब पृथक सत्य नहीं होता तो दर्शक दर्पण और बिंब तीनों एक हों तो प्रतिबिंब की आपकी स्थिति होगी। एकांत विचार कीजिए, आत्मा ही दर्शक है, आत्मा ही बिंब है, दर्पण भी है, सो प्रकाश। जब दर्शक दर्पण बिंब के भिन्न होने पर भी प्रतिबिंब पृथक सत्य नहीं होता, कहीं दर्शक दर्पण और बिंब तीनों एक ही हो जाए तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। एकांत में विचार कीजिएगा, बहुत आनंद होगा, पूरी सृष्टि का रहस्य एक वाक्य माध्यम से ही पर उपलब्ध हो जाए। गुरुदेव के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मन में एक बड़ी शंका है, उसका समाधान मैं नहीं पाता हूँ कि जब एक राम कहने से ही न जाने कितने पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार अजामिल एक नारायण नारायण कहकर ही तर गए,
ये तमाम स्तोत्रों की क्या आवश्यकता है, ये जो है मुझे ये प्रश्न मत कही। एक पुराण शरीफ और बाइबल एक पर्याप्त है, अन्य पुराण वेद की क्या आवश्यकता है? वहां जो एकत्व है वो संकोच का देवता क्या है निकाला? राम राम सकल नाम आदि का ये भी है। अब एक मैं बात कहता हूँ, आजकल मैं कह राम लगा एक मिनट, हरि शब्द लिखेंगे हर अपने आप आ जाएंगे, यानी हरि शब्द का उच्चारण करेंगे हर अपने आप आएंगे, यानी क्या हरि बोलेंगे तो लिखेंगे तो हर का प्रवेश होगा, यानी हर अनुगत होंगे, यानी नाम दो प्रकार के होते हैं, वस्तु शून्यो विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति, वस्तु शून्यो विकल्प योग दर्शन का सूत्र है। बंदिया पुत्र केवल शब्द है, उसका अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। शशसिंह खरगोश का सिंह केवल शब्द है, खरगोश के सिंह होते नहीं, उसके कान में सिंह बुद्धि बन जाती है। इसी प्रकार से राम शब्द ही नहीं है, शब्द के अर्थ भी तो है, श्री राम नाम है, भगवान का नाम है। वैखरी वाक से भगवान नाम का संकीर्तन करें अर्थानुसंधान पूर्वक तो बब सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, हृदय नाभि नाम हृदय कंठ इत्यादि दस संस्थानों के योग से जिस वाक की निष्पत्ति होती है उसका नाम है वैखरी वाक। वैखरी वाक से भगवान नाम का संकीर्तन करें अनुसंधान पूर्वक भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। मध्यमा वाक से करें मनोगत वाक से भवसिद्ध के पार जाने की योग्यता आ जाती है। पश्यंती वाक से करें बुद्धिनिष्ठ मनोगत वाक, पश्यंती वाक से करें भवसिद्ध सूख जाता है, परा वाक से करने पर भवसिद्ध आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है। एक में संकेत करता हूँ, विष्णु सहस्र नाम राम सहस्र नाम है सब है ना, विष्णु भगवान के ही तो सहस्र नाम हो गए ना, मुख्य नाम क्या हो गया विष्णु, ऐसे राम ऐसे ही नाम जो है। कोई कराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति है उसका नाम लेकर आप पुकारते हैं लालू, अब प्रश्न उठता है कि जब कराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति है उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो नाम सुन के जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है, आप क्या कहेंगे? कराठे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेके पुकारा जाता है नाम सुन के जगता है या जगने के बाद सुनता है? नाम सुन के जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं होता। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी जब अचिंत शक्ति का सन्निवेश है तो ऋग्वेदादि से सिद्ध राम कृष्ण शिव ये सब जो भगवान नाम है इनमें अपार शक्ति है। सदैव स्वमेध मग्न आसीत एक मेवाद्वितीय, महाप्रलय की दशा में 31 मील 10 खरब 40 सारा वर्षों तक सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विमुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व भगवत तत्व सत्व तत्व ही सन्निहिता। सृष्टि दशा में वही भगवत तत्व उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह निग्रह संयम पंचकृत्य का निर्वाह करने की भावना से हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति और गणपति पांच रूपों में व्यक्त हुआ।
इसलिए पंच देवताओं का मालिक स्वरूप एक है। आजकल मैं उदाहरण देता हूँ, कछुए की हथेली पर ध्यान दीजिए, कछुआ जानते हैं, कछुए की हथेली उंगलियों की विभाजक रेखा होती है, उंगलियों में विभाजन नहीं होता। इसे तरबूज या खरबूज ले लीजिए, उसके ऊपर लकीरें होती हैं, विभाजन नहीं होता, इसलिए प्राकृतिक विभाजन है। वस्तुतः पांचों देवताओं में एकत्व है। जितने भी सहस्रनाम देवी देवता के हैं, सनातन सिद्धांत के अनुसार निर्गुण निराकार परक सहस्रनाम में कोई भेद नहीं, सगुण निराकार परक सहस्रनाम में कोई भेद नहीं, सगुण साकार परक जो नाम है उनमें नाम रूप लीला धाम को लेकर भेद होता है। इसलिए निर्गुण निराकार भूमि में पांचों देव एक हैं, सगुण निराकार भूमि में पांचों देव एक हैं, सगुण साकार भूमि में नाम रूप लीला धाम को लेकर भेद है। गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कीजिए, अजो प्रसन्न अव्यय आत्मा, मैं अज और अव्यय हूँ कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। पंचभूतों का प्राणियों का स्वामी हूँ, प्रकृति का नियामक हूँ कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममाया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण साकार सिद्ध किया। एक तथ्य है, ध्यानपूर्वक सुनी रहे, जिनके मत में ईश्वर अर्थात जिनकी मान्यता के अनुसार ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, दार्शनिक धरातल पर उनका ईश्वर सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। न्यायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है, शेष्वर सांख्यवादी ईश्वर योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है, बाइबल की सीमा का ईश्वर गॉड जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है, कुरान शरीफ की सीमा का खुदा जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। दार्शनिक धरातल पर जिनका ईश्वर जगत का निर्माता हो सकता है, निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार सिद्ध होता है। कदाचित वह ईश्वर को दाढ़ी आदि वाला मानते हैं, दर्शन संकर है। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तदैक्षत अस इक्षण चक्रे स्व कामयत बहुश्याम प्रजाय सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मय वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम आदि वचनों का अनुशीलन करने पर हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कालश्च हेतुश्च इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्रीधरा स्वामी जो श्री गोवर्धन मठ परिपीठ के 116वें शंकराचार्य हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा, श्रीधरी टीका प्रसिद्ध है, उन्होंने कालश्च हेतुश्च का अर्थ किया। काल माने निमित्त कारण, हेतु माने उपादान कारण, अर्थात भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। संक्षेप में अगर कहें तो हम जिसको ईश्वर मानते हैं, वह ईश्वर सदा है, सर्वत्र है, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वरूप है। सदा होने के कारण काल के द्वारा कवलित नहीं होता, सर्वत्र होने के कारण देशांतर के द्वारा कवलित नहीं होता, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होने के कारण वस्तुअंतर के द्वारा कवलित नहीं होता है, इसलिए अनंत है। जो काल के द्वारा कवलित न हो, देशांतर के द्वारा कवलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा कवलित न हो, वही अनंत हो सकता है। ईश्वर को जो अनंत कहा गया, सत्यम ज्ञान अनंत मानंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, तो हमारे जो ईश्वर वेदवाही नहीं, वेद सम्मत, हम वृंदावन में रहे हैं, वृंदावन की एक गाथा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहर को ननिहार। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं दक्षिणावर्त, केवल एक कदम दूर परिक्रमा से
हाव भाव भाग्य वाक्य द्वारा श्री नंदनंदन श्याम सुंदर करुणा वर्णालय मुकुंद माधव श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासन मदन मोहन हाव भाव भंग्य वाक्य द्वारा आपके चित्र को आकृष्ट करते हूँ। उधर मत देखिए, अगर श्री कृष्ण भी चाहिए तो विभिन्न राजसी माँ के अंदर का इसी को बदल दे तो निगम राज सी माँ के बाहर हरिहू को नार निगम राज बने वेदांत वेद वेदांत के सी माँ का ईश्वर हमारे किसी के काम का नहीं। ईश्वर ईश्वर में भी अंतर होता है, इसलिए वेद वही ईश्वर बता ईश्वर के लक्षण से तो हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन, स्वामी जी के चरणों में नमन, मंच पर प्रसिद्ध सभी माँ भागवतों प्रणाम। गुरुदेव, इन दिनों मन में बार बार ये शंका आती है कि उम्र ढलने के साथ साथ मन में प्रचिन्नता का भाव क्यों आ रहा है, लगता है जैसे कुछ अधूरा पन सा रहा है अब, और शरीर दक्षिणामूर्ति भगवान की जय, दक्षिणा के नाम पे आगे आने का बहाना बढ़िया। तो गुरुदेव, मन में जो प्रचिन्नता का भाव है और पूर्णता का भाव है, उसको कैसे दूर करें? बैठिए, स्वप्नावस्था पर विचार कीजिए, संकीर्णता परिचिन्नता का भाव दूर हो जाएगा। अभी तो मैंने वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या की, आप सुन रहे होंगे, बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आप आए हैं। सुनिए, हमने कहा कि माँ के पेट से हम आप जो मनुष्य हैं, भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार जीव सहित उत्पन्न हुए तो जरायु प्राणी हो गए या नहीं? माँ के पेट में आधुनिक विज्ञान के अनुसार उस समय अंडा होकर रहे, अंडा जब प्राणी हो गए, अंडे की निष्पत्ति माता पिता के रजवीर के संघात से होती है, स्वेद जब प्राणी हो गए, स्वेद लक्षणा से माता पिता के रजवीर, रजवीर की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है, उद्भिद जब प्राणी हो गए, स्वप्नावस्था में मन से जब प्राणी होते हैं और बुद्धि से अवच्छिन्न हो जाने पर, उपहित अपने को मान लेने पर, बुद्धि से उपहित मान लेने पर, जान लेने पर स्वयं वो प्राणी हो जाते हैं, निरुपाधिक धरातल पर स्वयं है, अब ऊपर से नीचे अवरोह क्रम, स्वयं होते हुए स्वयंभू होते हुए मनुष्य होते हुए फिर क्यों हो गए जरायु होते हुए अंडज होते हुए स्वेदज होते हुए क्या हो गए उद्भिज, इस पर विचार करेंगे तो परिचिन्नता कट जाएगी। स्वप्नावस्था में गीता का एक वचन है, त्यागा शांति निरंतरम, एक कौन सा ग्रंथ है, उत्तर प्रदेश की कहावत है, रपट पड़े तो हर गंगा, गंगा के किनारे चल रहे थे, गंगा स्नान की भावना तो नहीं थी, पाँव फिसल गया, डूबने से बच गए, गंगा स्नान हो गए, अनक्षण्यक भी स्वप्नावस्था की प्राप्ति हो जाए, स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का त्याग हो जाता है, यानी अभानात्मक वियोग हो जाता है, यानी अनिच्छन्नक भी स्वप्न जागृत अवस्था से ऊपर उठ जाए स्वप्नावस्था में, उस त्याग के बल पर हमारे आपके जीवन में इतना बल और वेग उत्पन्न होता है कि हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल स्थावर जंगम प्राणी की रचना कर लेते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए, अहमियती तक एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद और दुख की दौड़ अहमियती तक, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध है, अहमियती तक प्रसुप्ते गाड़ी इनमें आम सो जाता है, आम की बीजावस्था ही अविद्या है।
तो द्वंद्व और दुख सत्य क्रांत हो जाते हैं, यानी गाढ़े नींद में द्वंद्व और दुख सत्य क्रांत हो जाते हैं। ये विकल्प समाधि के विकल्प का नाम ही सुसुप्ति या गाढ़े नींद है। सन 1972 में ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने वृंदावन में उड़िया हुआ के आश्रम में मुझसे पूछा, कहो साहब मेरा नाम दिनों ध्रुव चैतन्य था, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके मुकाबले से सुनना चाहता हूँ। लगभग 45 मिनटों तक उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, निर्विकल्प समाधि का विकल्प है सुसुप्ति। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती कदाचित सुसुप्ति भी न हो तो पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। हम जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से भगवान ने गाढ़ी नींद बना दी। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, स्त्री बाल बच्चे सोने चांदी की बात तो छोड़ दीजिए, जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है, स्थूल शरीर को भी भुला के सोने की भावना होती है नहीं? अगर ये आत्मा ही है तो इसको भुला कर सोने की भावना क्यों होती है? अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद का नाम आत्मा तो हो ही नहीं सकता। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम समिसर्जयेत असंगे संगवो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम्। इस स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग हो जाता है। इंद्रियां फुदकती रहे तो पागल हो जाए, इंद्रियों को भी सुला कर सोना चाहते हैं, और अगर अंतःकरण ही फुदकता रहे तो भी संकल्प विकल्प आदि के चपेट में आकर पागल हो जाए। अंतःकरण को भी सुला कर सोना चाहते हैं, मन साक्षी होकर रहना चाहते हैं। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणों का स्पंदन भी अगर जानकारी का विषय हो जाए पागल हो जाए, प्राणों को भी भुला के सोना चाहते हैं। कई मृतकन्या से पंचदशी कर को सिद्ध किया। ध्यान पूर्वक सुनिए, दुख की बात कौन कहे, विषय जन सुख भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं हो सकता। फिर से कहे, दुख तो स्थिर प्रेमास्पद कैसे होगा, दुख भी प्यारा होता है। न विमोचन दुर्मेधा द्वितीय सापाठ तामस, लेकिन हम कहते हैं सुख भी विषय जन्य आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं होता। विषय जन्य आनंद की पराकाष्ठा किनको प्राप्त है, ब्रह्मा जी। तैतृय उपनिषद के अनुसार अध्ययन करें, सप्तद्वीपा मेदिनी, आजकल केवल एक द्वीप वाली पृथ्वी है, सार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही आधुनिक भूगोल वाले 7 खंडों में बांट देते हैं, ये पूर्ण भूगोल नहीं है। सप्तद्वीपा च मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी पृथ्वी में केवल एक द्वीप सुलभ है। कदाचित सप्तद्वीपा मेदिनी, भारत में कई प्रांत हैं, शाकद्वीपी ब्राह्मण होते हैं यानी उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले शाकद्वीप से आए थे, यानी उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले शाकद्वीप से आए होंगे। सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई एक क्षत्र सम्राट हो, बीपी सिंह जैसा नहीं हो, ब्राह्मण टूट कर लोग गाली दें, सब आरक्षण की जो देन है ना, आरक्षण बीपी सिंह की देन है। आरक्षण किसने दिया था, बीपी सिंह ने। उस समय में मेरठ में था, मैंने कहा था इस आरक्षण में क्या क्या, प्रतिभा की हानि 1 दोष, प्रगत की हानि 2 दोष, प्रायोगिक नहीं 3 दोष, प्रतिशोध की भावना 4 दोष, और प्रतंत्रता 5। बीपी सिंह ने यह सोचकर अंतिम साल तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहा हूं आरक्षण का कलंक ला के रख दिया, अब अगर कोई आरक्षण का विरोध करे तो शासन ही नहीं कर सकता है। इसमें 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि वही रही है, प्रगति की हानि, सरकार के पास उतनी नौकरियां नहीं है जितने व्यक्ति नौकरी में अधिकृत है, प्रायोगिक नहीं, जूनियर से जूनियर, सीनियर से सीनियर, अयोग्य से अयोग्य, योग्य से योग्य पद पर पहुंचता है, प्रतिशोध की भावना, अंत में प्रतंत्रता,
आरक्षण के हम पूर्ण पक्षधर हैं। सनातन धर्म में तो सबके जीविका धर्म से सुरक्षित है, इससे बढ़िया आरक्षण क्या है। सबके जीविका धर्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्दशा मुक्त। हमने क्या कहा, हमारा आपका जीवन वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। तो शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकार संतुलित रहे, मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहे, जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति के जीविका धर्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो और परमात्मा की अभिव्यक्ति या प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था है ही नहीं। और परम श्रद्धेय पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मैं चिंतामणि जिला संचालक प्रताप। वर्तमान काल में सनातन समरसता के ऊपर वैचारिक रूप से अनेकानेक प्रकार से आते हो रहे हैं, वैचारिक रूप से शारीरिक रूप से सनातन धर्मावलंबी के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। आप सनातन के धर्म जाकर सब बाहक है, सज्जन शक्ति और सनातन समाज का क्या इसमें योगदान हो सकता है, यह आपका आग्रह देखिए। पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे, सारे उपद्रव होंगे। ये सनातन धर्मों की लाचारी है, पेट और परिवार से ऊपर सोचते नहीं, केवल पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे तो सारी विपत्ति देर नहीं पड़ेंगे। सैद्धांतिक धरातल पर तो सनातन सिद्धांत कमजोर है नहीं, व्यवहार में तो पेट और परिवार तक। आपने कहा व्यवहारिक धरातल, सुनिए, एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक एक रुपया रोज निकले और एक घंटा रोज निकले, एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक एक रुपया एक घंटा रोज निकले, असंभव तो नहीं। ये भी नहीं मैं कह रहा कि हर हिंदू एक रुपया खर्च करे, एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस समय का संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में कीजिए। कौन टिके, केवल पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम केवल ग्रंथ में बना रहेगा तो कौन पूछेगा। एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बना करके उस रुपये का समय का उपयोग अपने क्षेत्र को बुलंद करने में, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकार को क्रियान्वित करने में कीजिए। 80% अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान स्वयं कर लीजिए, 10 फिर 20% में 15% प्रांतीय सरकार पर निर्भर है, कितने रह गए और 80 में फिर 15 फिर 5% केंद्रीय सरकार पर निर्भर आ रहा है इत्यादि। 80% समस्याओं का समाधान स्वयं मिलकर कर लेंगे, केंद्रीय प्रांतीय शासन तम झक मार करके उसमें भी सहभागिता का परिचय देगा। बुरा न मानो होली है, सुनिए, ये जितने राजनेता होते हैं अपवाद को छोड़ के अच्छे भी होंगे, हमारे कुछ गुरुदेव ने हमको बताया किसी भी वर्ग में जब तक कुछ आदर्श व्यक्ति होते हैं तभी तक उस वर्ग का अस्तित्व रहता है। किसी भी कौम में जब तक आदर्श व्यक्ति अच्छे व्यक्ति रहते हैं तभी तक उस कौम का अस्तित्व रहता है। अच्छे व्यक्ति चले जाने पर वो कौम वो वर्ग दस हो जाता है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर अपने क्षेत्र को बुलंद करने में उस संपत्ति का उपयोग कीजिए, समय का उपयोग कीजिए। कोई टिकेगा नहीं और किसी को दबाने का भाव नहीं होगा, सब आस्था पूर्वक आपके मार्ग का अनुगमन करेंगे। क्या करें, अरे राजनेता तीन ही तो करते हैं,
राजनेताओं का काम है। पहला सवर्ण असवर्ण के नाम पर राजकरण को खोदा, संजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर राज्य करो, और अंत में आगंतुक और आदिवासी के नाम पर राज्य करो। इनके तो दुर्व्यसन है, फूट डालो राज्य करो, सवर्ण असवर्ण में फूट डाल के राज्य करो, फिर क्या करो संजीवी बुद्धिजीवी में फूट डाल के राज्य करो, फिर आदिवासी और आगंतुक कहकर फूट डालो राज्य करो। इनके पास तो और कुछ आते नहीं, क्या बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं निंदा नहीं कर रहा, आँख खोलने के बाद पूरे विश्व को 13 दिशाहीन व्यापारी चला रहा है, राजनेताओं में बहुत ह्रास हुआ है, ध्यान नहीं आपका गया होगा। देशी विदेशी कंपनियां प्रांत को चलाती हैं, देश को चलाती है, विश्व को चलाती है, पूरे विश्व को चलाने वाले 13 दिशाहीन व्यापारी हैं। अभी राजनेताओं में केवल यह एक योग्यता है, ठेका देने की योग्यता। जब कुछ समय बाद ठेका देने की योग्यता भी नहीं रहेगी, दिशाहीन व्यापार तंत्र के हाथ में ही पूरा विश्व आ जाएगा, और एक एक व्यापारी 50 पीढ़ी के धन बटोरेगा, बाकी व्यक्ति को मरवा देगा, नष्ट कर देगा, गुलाम बना कर रख देगा। इसलिए भयंकर विभीषिका को ये राजनेता जन्म लेते, राजनीति की परिभाषा तो जानते ही नहीं, राजनेता बनकर सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। पहले मैं कह चुका हूँ राजनीति राजधर्म छात्र धर्म दंड नीति अर्थनीति पांचों पर्यायवाचक एकार्थक शब्द हो गया। और कुछ पूछिए, एक अनुशासन किया है संकल्प लेती थी, उनके मित्र की एक लड़की जो है किसी मुस्लिम के साथ चली गई, मुस्लिम ने थोड़े दिन बाद ताड़ना दिया, आ गई एक संतान उसको पैदा हुआ। उन्होंने पूछा क्या बताइए कि संतान की क्या गति हो, तो हमने कहा भैया आप जो है आज समाज में चले जाइए, अपना जो है कुछ करवा दीजिए, परंतु हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है ऐसी कुछ होना चाहिए। इस तरह क्या कहा के भी तो धर्म है मनुस्मृति, मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षति वैश्य तो वर्ण संकल्प कुटीर उद्योग लघु उद्योग के प्रकल्प किनके पास है ज्यादा, पांच विभाग किया गया ना मनुस्मृति, ब्राह्मण क्षति वैश्य वर्ण संकल्प। अब सुनिए, एक ब्यावर है राजस्थान में, हमारे पूर्वाचार्य माँ बाप की जन्मभूमि, वहाँ मैं गया शंकराचार्य होने के बाद, कितने हो गए थे सैकड़ों हजारों की संख्या, हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान हो गए थे, लेकिन रोटी बेटी का संबंध छत्री से हजारों की संख्या में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने कहा महाराज हमारे इष्ट देवी का ज्ञान हमको है, इष्ट देवता का ज्ञान है, गोमांस का सेवन नहीं करते, परिस्थिति बस मुसलमान हो गए, गोमांस का सेवन नहीं करते और आपस में जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था उसी के अनुसार
विवाह हमारे यहाँ होता है। हमने 10,000 उनको कहा कि आप छत्री थे छत्री हैं, ये कर चुका हूँ। 300 कितने व्यक्ति झारखंड में फिसल गए थे, उनको फिर से हिंदू धर्म प्रतिष्ठित किया। नारा जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूरे उत्साह के साथ सब लोग जय घोष करेंगे। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या गोहत्या गोहत्या, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। पूरे उत्साह से सब लोग बोलेंगे हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरे उत्साह से सब बोलें हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर नमः पार्वती पतये हर। कल के कार्यक्रम की सूचना संक्षिप्त सुनने के बाद फिर पहले माताएं और उसके बाद पुरुष वर्ग।